सभी को नमस्ते और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत आज की इस डिस्कशन में। आज वैसे मैं भी शेड्यूल नहीं था कोई लाइव रखने का, लेकिन चांस की बात ये हुई कि एक ट्वीट मैंने देखा और इस पर मुझे लगा कि हमारे समाज को ना केवल इस पर बात करनी चाहिए, ना केवल इस पर चर्चा करनी चाहिए बल्कि सीखना चाहिए। कहानी है एक मुसलमान लड़का, एक हिंदू लड़की और तीसरा कैरेक्टर वो हिंदू लड़की है, हिंदू लड़का है वो पता नहीं, क्योंकि ट्विटर पर बहुत बार क्लैरिटी नहीं आती है। तो मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ कि आज जो ट्वीट मैंने देखे थे वो क्या थे, सीधा मैं उसी पे जाता हूँ। ट्वीट कुछ ऐसा था कि ये एक ट्विटर हैंडल है, नाम बताती है जीशा हमलानी। तो जीशा हमलानी नाम से मुसलमान है, लेकिन आजकल हिंदुओं को सेक्युलरिज्म का कीड़ा बहुत काट चुका है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों के नाम मुसलमान जैसे रखते हैं। तो हिंदू है या मुसलमान मैं नहीं जानता, लेकिन इसका जो ट्वीट पढ़ के देखिए, इस्लामोफोबिया ऑन डेटिंग एप्स, इस्लामोफोबिया ऑन डेटिंग एप्स। इस्लामोफोबिया क्या है? आप सब जानते हैं कि फोबिया उसे कहते हैं जहां पर हम इस बात बिना कारण के डर, जैसे कई लोगों को पानी देखते ही डर लगने लगता है, पानी से डरना नहीं चाहिए, तो क्योंकि वो डरते हैं तो उससे हाइड्रोफोबिया कह दिया जाता है कि पानी से डरता है बिना किसी कारण के डर। एक तो डर है कि मान लीजिए समंदर में डूबने का डर तो हो सकता है, लेकिन आप दूर बैठे स्विमिंग पूल के किनारे पे बैठे हैं या किसी टब में पानी रखा है, जग में पानी रखा उससे डर रहे हैं, तो वो फोबिया कहलाता है। कई लोगों को बंद जगह का डर लगा है। तो ऐसे ऐसा भय, ऐसी उत्सुकता जहां पर के डर का कोई कारण ना हो उससे फोबिया कहलाता है। लेकिन जिहादी मकार में एक कदम पहन के इस्लाम दिया कि इस्लाम से डर। ये अच्छा, आप सोचिए देखिए, सांप से डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, बिच्छू से डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए? आप कह सकते हैं कि सांप से क्यों डरे नहीं, क्योंकि सांप तो हो सकता है जहरीला हो, सकता है ना जहरीला हो, लेकिन हम रिस्क नहीं ले रहे। और दूसरी चीज, यदि पता हो कि सांप जहरीला है तो डरना होता है, से बिच्छू से हो सकता है, ऐसा बहुत सही। तो अब इस्लाम से डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, उसका उत्तर हमें मिलता है इस्लाम की किताब पर। इस्लाम पिछले 4 वर्ष से संसार में फैल रहा है और उसे संसार को दिया क्या, यदि उसको आपने देखना है तो पूरा जो सो कॉल्ड इस्लामिक वर्ल्ड है उस पर नजर पड़ना चाहिए। क्या आपको महिलाएं दिखाई देती हैं या पेंगुइन दिखाई देती है? और क्या इन्होंने 57 देश है, यानी 57 देश, लेकिन आज तक इन्होंने इन्वेंशन क्या किया है? कुछ नहीं। आप कुछ नहीं बोलना गलत हो जाएगा। अगर कहीं पर टेररिस्ट पाए जाते हैं तो उनके नाम क्या होते हैं? मोहम्मद, अहमद, ये नाम आए। तो एक तरह से देखा जाए तो इस्लाम की उस दिन है वो नफरत, खून खराबा, बाहर है, ये दिन हमें मिलती है अगर पूरा इतिहास खंगाल लें। और हमारे देश में तो निरंतर देख रहे हैं कि हमने 2 बड़े बड़े भूखंड अपनी भूमि के दे दिए, लेकिन आज भी वो नेहरू के आप लोग स्पीच सुनी हुई कि हमने सोचा कि यार ये बीमारी खत्म करेंगे, रोज हम क्या दे रहे हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन कर रहे हैं, तो हमने पार्टीशन करा लिया। नेहरू गांधी का आए थे उनका जो अदबा है, लेकिन क्या उससे गैर मुसलमानों की मुसीबतों का अंत हुआ है? तो उतर है नहीं। आज भी ये क्या देता है, आप कल्पना करके देख सकते हैं। तो इस तरह की मानसिकता से, इस तरह की विचारधारा से यदि डरता है कोई तो डरना स्वाभाविक है, क्योंकि सांप बिच्छू से यदि आप डरते हैं तो इनसे भी डरेंगे, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि इन्होंने क्या दिया। और इतिहास को छोड़ दें तो यदि आप इस्लाम को जानना चाहते हैं
मेरी सीरीज है इस्लाम एंड मोहम्मद, नहीं वो देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मोहम्मद जिससे इनका आदर्श माना जा रहा है उस इंतजार भर में जाकर वो भी समझ में। लेकिन मक्कारी की पराकाष्ठा देखिए, मोदी कहते हैं ना हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, तो वो सीमा यहाँ दिखाई कि जो सबको मारना काटना चाहते हैं, जो सबको कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिनकी कुरान में स्पष्ट लिखा है कि तब तक लड़ते रहो, क्या करते हो, कत्ल करते हो, जब तक के केवल अल्लाह का दीन मिले, वो कहते हैं कि इस्लामोफोबिया फैल रहा। अब ये ट्वीट एक डॉक्टर ने देख रहे हैं कि क्या कहा इसमें, इसका कहना है कि डेटिंग ऐप के ऊपर इस्लामोफोबिया है, डेटिंग ऐप्स भारत मैट्रिमनी डॉट कॉम इस तरह की चीजें, शादी डॉट कॉम, ये है समर्थन की बात। वहां पर अब इसने बोला कि तीन पार्ट्स में है जो इस्लाम को But I feel like a privileged princess complaining about this while my fellow Muslims lose lives, livelihood and families for simply being Muslim. उसका कहना ये है कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, और मैं क्षमा करता हूँ फिर से आवाज की समस्या आ रही है। चाहता हूं इसके लिए। अब जरा एक बार मुझे बताइए कि ऑडियो अब क्लियर हुआ है या नहीं, क्योंकि यदि ऑडियो क्लियर है फिर हम आगे चल सकते हैं। ओके जी, जो भी जुड़े हैं कृपया एक बार मुझे बताएं। स्टार्टिंग से आवाज खराब थी रशियन में, मैंने अभी देखा, तो अब मुझे बताइए कि आवाज कैसी है। ओके, तो अब ठीक है। ठीक है जी, मैं क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। तो मुझे लगता है मुझे फिर से दोहराना पड़ेगा जो मैंने बात की थी आपसे। अब समस्या क्या हुई, आज मेरा लाइव करने का कोई उद्देश्य नहीं था क्योंकि मैं कहीं प्रवास पे हूँ, लेकिन एक ट्वीट मुझे आज देखने को मिला जिस पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। ट्वीट क्या था, मैंने पहले स्क्रीन पे दिखा दिया था कि आज जो हम कहानी जिसकी बात करने वाले हैं इसमें तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, एक मुसलमान लड़का, एक हिंदू लड़की, और तीसरा कैरेक्टर मुझे पता नहीं है कि वो क्या है, क्योंकि ट्विटर पे पता नहीं चलता कि वास्तविकता में कौन सामने आ रहा है। तो इसलिए वहां पर हम बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे कि वो लड़की है, लड़का है, हिंदू लड़की है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसका ट्विटर हैंडल ये है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ज़ीशा हमलानी नाम है इसका, और इस ज़ीशा हमलानी का कहना है कि डेटिंग ऐप्स पर इस्लामोफोबिया फैल रहा है। डेटिंग ऐप्स से संभवतः इसका जो मंतव्य है वो है जो ये शादी डॉट कॉम और इस तरह की शादियों वाली वेबसाइट्स हैं उनकी बात कर रही है। अब ये जितनी भी साइट्स हैं इन पर धीरे धीरे जिहाद चलना शुरू हो गया है, तो आज हम उस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस्लामोफोबिया शब्द है इसकी यदि बात करें तो फोबिया का अर्थ क्या होता है, जहां पर बिना किसी कारण के कोई डरता है। जैसे कई लोगों के साथ क्या समस्या होती है कि वो पानी से डरते हैं। अब पानी तो जीवन देने वाला है तो उससे क्यों डरेंगे, लेकिन कुछ लोग स्विमिंग पूल से दूर खड़े हैं तो भी डर जाते हैं, एक जग में पानी रखा हो उस पानी को भी देख के डर जाते हैं, तो वहां पर उसे फोबिया कहा जाता है। ऐसे कुछ लोगों को खुली जगहों पे जाने से डर लगता है, उसे अगारोफोबिया कहा जाता है। कुछ लोगों को बंद कमरों में, बंद स्थानों से घुटन होती है, उनको डर लगता है, क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। कुछ लोगों को अजनबियों से डर लगता है, ज़ीनोफोबिया कहा जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे फोबिया होते हैं। लेकिन क्या आपको सांप से डरना चाहिए, क्या आपको बिच्छू से डरना चाहिए? तो कारण है हाँ, उसका आंसर है हाँ, लेकिन कारण क्या है? क्योंकि सांप और बिच्छू का एक इतिहास है। बहुत सारे सांप जहरीले होते हैं, वो काट सकते हैं,
तो अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है कि बहुत सारे सांप ऐसे भी होते हैं जो जहरीले नहीं होते, ठीक बात है, तो सभी से क्यों डरे। तो अब यदि आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, बचे रहना चाहते हैं, तो आप इतिहास को मान के चलते हैं कि यार इतने सारे सांप जहरीले होते हैं तो मैं रिस्क क्यों लूं, ये भी जहरीला हो सकता है। तो ऐसे डर को फोबिया नहीं कहा जाता, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर एक खतरा है और इतिहास बताता है कि वहां पर खतरा था, तो वहां से डरना एक कॉमन सेंस की बात होती है, बुद्धि की बात होती है। अब मक्कारी की सीमा क्या है, वो मुझे बार बार डायलॉग याद आता है मोदी जी का, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। तो उन मक्कारों ने ये इस्लामोफोबिया नाम का जो शब्द है, जो टर्म है, उसको कॉइन किया है कि इस्लाम से डर लगता है। अब क्या इस्लाम से डरना चाहिए, तो पूरा इतिहास देख लें, 1400 वर्षों का इस्लाम का इतिहास है। पहले जो 12-13 वर्ष थे, जब मोहम्मद मक्का में रहता था, जब उसके पास कोई शक्ति नहीं थी, जब उसके पास एक गैंग नहीं था, तब तक तो लोग इस्लाम से नहीं डरते थे। लेकिन जैसे ही इसके पास ताकत आ गई, मोहम्मद के पास, इसने लूटना शुरू किया, लोगों की हत्याएं करनी शुरू की, अपने चेलों को बोला कि काफिरों की हत्या करो, उनको लूट के लाओ, इनको लूट सकते हो। तो उसके बाद का इस्लाम का जो इतिहास है वो हमें बताता है कि ये एक ऐसी विचारधारा है जो नफरत सिखाती है। मोहम्मद तो जा चुका है, लेकिन आज उसकी जो किताब है कुरान, अगर उसे पढ़ के देखें तो उसमें नफरत सिखाई जाती है सारे गैर मुसलमानों के प्रति। जो इसका इसको डिटेल में जानना चाहता है, तो मेरी एक प्लेलिस्ट में एक सीरीज है, इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज, आप उसे देख सकते हैं, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस्लाम का इतिहास है ये गैर मुसलमानों को तंग करता है, मारता है, लूटता है, बलात्कार करता है। तो इससे डरना फोबिया नहीं है, वो एक कॉमन सेंस है कि यदि एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो आपको लूटना चाहता है और उसको छुपाता भी नहीं, आपको स्पष्ट करके बताया कि ये हमारी किताब है, हम चाहते हैं कि हम सबको इस्लामाइज कर दें, हम सबको मुसलमान बना दें या उनको मार दें, तो उससे डरना तो स्वाभाविक है, डरना चाहिए भी। लेकिन यहां पर मेन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। अब इसके ट्वीट में क्या कह रही है जीशा हमलानी, अ स्टोरी इज इन थ्री पार्ट्स, आई एम फकिंग फेड अप बट आई फील लाइक अ प्रिविलेज्ड प्रिंसेस कंप्लेनिंग अबाउट दिस व्हाइल माय फेलो मुस्लिम्स लूज लाइव्स लिवलीहुड एंड फैमिलीज फॉर सिंपली बीइंग मुस्लिम। तो टिपिकल जो वोकियों का, कामियों वामियों का एक रोना होता है, वो रोना क्या है कि बेचारे मुसलमानों को मुसलमान होने के कारण प्रताड़ित किया जाता है, वो मर रहे हैं, जबकि है उल्टा, वो मार रहे हैं। और मार क्यों रहे हैं, क्योंकि वो मुसलमान है और मुसलमानों को कुरान में सिखाया जाता है कि मारो काटो, ये वास्तविकता है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि किस तरह से हिंदू समाज आज भी बिल्कुल मूर्ख बन के बैठा है, जैसे हम बोलते हैं कि शत्रु बोध की कमी है, उसका उदाहरण इसी ने अपने ट्वीट में दिया था। अब इसका ट्वीट क्या था, जरा मैं उस पे आने से पहले, ये मैं अकेला बोल रहा हूं, जब मैंने इसका ट्वीट देखा तो मैंने इसे कहा था कि तुम जो कह रही हो उससे, तुम ये बोल रहे हो कि इस्लामोफोबिया, अगर तुम चाहती हो तो अपनी बातों को लाइव आके बता सकती हो। तो हमने इसे निमंत्रण दिया था, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, क्षमा कीजिए, उसने मना कर दिया था आने से, उसका कहना कि मैं नहीं आ सकती। तो अब ये कहानी क्या पेश कर रही है, एक हिंदू लड़का और एक मुसलमान लड़के की व्हाट्सएप चैट है, असली है नकली है मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है असली हो, क्योंकि हिंदू लड़कियों को आजकल पूरी तरह से मूर्ख बनाया जा चुका है और बनाया जा रहा है, उसका एक बिल्कुल स्पष्ट सा एग्जाम्पल है। ये क्या कह रहे हैं इसमें, अब जरा ध्यान से देखिएगा, उसमें वो कह रही है, आई होप यू डोंट माइंड मी आस्किंग बट आर यू मुस्लिम। अब डेटिंग ऐप है तो आप जानना चाहेंगे कि सामने वाला कौन है, क्योंकि उसका नाम ईशान दिखाई दे रहा है। तो आगे वो मुसलमान आंसर क्या दे रहा है, यस इज दैट अ प्रॉब्लम। अब अगर ये किसी भी बुद्धिमान घर की बच्ची होती तो इसका आंसर होना चाहिए था यस इट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि मुसलमानों को कुरान क्या सिखाती है,
वो जानना चाहिए था, लेकिन एक टिपिकल डरी हुई कायर सेक्युलर वो लड़की की तरह उसका आंसर है नो. आई वॉज थिंकिंग अबाउट वॉट यू सेड रिलेटेड टू वॉट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड. वाई यू आस्किंग देन. अब इसके बाद आगे चलते हैं जरा अगले पार्ट में. ये कहानी कहां पे जा रही है उसे देखते हैं जरा. अगला पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग है. इसमें क्या कहते हैं वो, अब वो हिंदू लड़की क्या कह रही है. आई रिस्पेक्ट योर बिलीव्स एंड चॉइसेस, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि तुम्हें बाकियों का सम्मान करना है. अब मैं एक मिनट के लिए यहां पे रोक के आपसे पूछता हूं कि अगर उनको किसी को ये लगता है कि उन्हें मोहम्मद का सम्मान करना है तो कर सकते हैं, लेकिन वो किसी को मजबूर नहीं कर सकते. मुझे कोई कंपल्शन नहीं है मैं क्यों मोहम्मद का सम्मान करूंगा. मैं क्यों किसी भी ऐसे व्यक्ति का सम्मान करूंगा जो बलात्कार करने को कहता है, जो हत्याएं करने को कहता है, जो लूटपाट करने को कहता है. मेरा धर्म ऐसे लोगों को आतताई बोलता है, मैं उसका सम्मान नहीं करूंगा. लेकिन हमें पूरे नैरेटिव ने इतना कायर बना दिया है कि हमें ये कहना पड़ता है कि वी रिस्पेक्ट योर बिलीव्स एंड चॉइसेस. बिलीफ का भी कोई रिस्पेक्ट होता है? आप सोच के देखिए, कल को कोई बोले कि मेरा बिलीफ है कि चंद्रमा पे एक पंचर साटने वाला रोज बैठता है जाके, बिलीफ है, आप उसका मजाक उड़ाएंगे तो गुस्सा कर जाएगा, इसलिए मैं तो रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर सकता. किस तरह की बकवास है? लेकिन हर रोज होता है हमारे समाज में कि हम बोलते क्या है. और ये हिंदू बच्ची उसका बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है. आई रिस्पेक्ट योर बिलीव्स एंड चॉइसेस, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी अपफ्रंट अबाउट द फैक्ट दैट डोंट यू थिंक अवर डिफरेंट रिलीजन्स विल वर्क आउट इन द लॉन्ग टर्म. अब वो थोड़ा सा साहस करती है और कहती है कि मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारे मजहब हमारे रिलीजन अलग हैं तो ये लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेंगे. अब ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, लेकिन आगे से जो लड़का उसका जवाब क्या आता है, यू डू अंडरस्टैंड दैट्स इस्लामोफोबिया राइट. अब उसने सीधा सीधा अपना एक वो इक्के का पत्ता फेंक दिया कि तुम अगर ये कह रही हो कि हमारा मजहब अलग होने के कारण हमारा रिलीजन नहीं चलेगा तो ये तो इस्लामोफोबिया है, तुम्हें पता ना ये इस्लामोफोबिया है. और उसके बाद उस लड़की की हवा निकल जाती है. हे दैट्स नॉट आई मीन आई एम रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स ऑल रिलीजन्स बट प्लीज आई डोंट वांट टू टॉक मोर अबाउट दिस. तो एकदम से डर जाती है कि मैं तो रिस्पेक्टफुल हूं इसलिए मैं सबका सम्मान सारे रिलीजन्स का सम्मान करती हूँ, इसके बारे में नहीं बात करना चाहती. तो फिर वो टिपिकल लव जिहादी लगता है. Cool, that's convenient. Thanks, though, for mentioning this. You are the one who said it. कि तू है जिसने कहा था. तो अब आपको इसमें asymmetry दिखाई देनी चाहिए कि किस तरह से जो जो आदमी ये कहता है कि हम सारी दुनिया को convert करना चाहते हैं, वो धमकियां दे रहा और सामने वाली डर रही है. जो सबसे ज्यादा मर रही है वो डर रही है उससे. फिर अगले पार्ट पे चलिए इसके. You are judging me for being upfront by giving a label. तो अब वो कह रही है कि तुम मुझे जज कर रहे हो क्योंकि मैं तो स्पष्ट बात कर रही थी. तो आगे से वो फिर उसका मजाक उड़ाने बैठता है. ओ मैन वाओ कॉलिंग a spade here. It is what it is. You don't get a cookie for being upfront about your biases. तो वो कह रहा है कि तू biased है, तू मेरे बारे में गलत सोचती है, इसलिए तू गलत है. तो लड़की क्या कह रही है, सॉरी बट आई डोंट want to offend you. Or your unfounded hatred and inacceptance of a sect, community, religion. तो अब क्या कह रहा है, unfounded hatred, कि तू बिना किसी कारण के एक community से एक मजहब से नफरत कर रही है. तो अब वो लड़की थोड़ी सी बैकफुट पे आती है, लेकिन लड़का पूरा फ्रंट फुट पे है. No, not at all. I am so grateful you did. Saved everyone a lot of time. अब ये तीन स्क्रीनशॉट्स इस लड़की ने डाले जिससे वो ये स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि मुसलमान बेचारों के साथ इस्लामोफोबिया खेला जा रहा है. तो एक बार फिर से देखिए जरा, अब आपको देखना पड़ेगा कि ये क्या कह रही है.
आई एम फेड अप, जबकि वास्तविकता क्या है, कौन मर रहा है, कौन से मजहब के लोग मर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन इस सारी कहानी का मॉरल क्या है कि हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए डेटिंग एप्स पर लव जिहादी बैठे हैं, उनके पास टेक्निक्स क्या हैं, अपने आप को पहले तो धोखा देके झूठ बोल के भी फंसाते हैं, लेकिन अब वो उससे ज्यादा बोल्ड हो चुके हैं। अब वो कहते हैं कि अगर तू, मैं मुसलमान हूं लेकिन अगर तू मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब तू इस्लामोफोबिक है, और ज्यों ही आप इस्लामोफोबिक बोलते हैं तो जनरली लोग उसको नेगेटिव मान के उससे डर जाते हैं। और इन्हीं लोगों को जब कहा जाता है कि तुम अपना रीजन तो स्पष्ट करो कि क्यों कह रहे हो, तो अब यही लड़की सीधे सीधे बोल देते हैं, नहीं मैं नहीं आ सकती, नो थैंक यू। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि जो मक्कार हैं वो फ्रंट फुट पे आके बच्चियों को बहला फुसला रहे हैं, ना केवल बहला फुसला रहे हैं बल्कि डरा रहे हैं इस्लामोफोबिया के नाम पे। इस्लामोफोबिया नहीं है, इस्लाम से डरना मजबूरी है, वो स्मार्टनेस है। अगर आप जिहादियों से डरते हैं तो आप स्मार्ट आदमी हैं, ये याद रखिए। जी हाँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, स्टार्टिंग में थोड़ी सी वो वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, आई होप अब ठीक आ रहा है सब। मोहित शॉ, वर्ड्स फॉर वुमेन इन इस्लाम इज औरत, लॉन्डी एंड माल। निकाह इज नॉट मैरिज बट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेक्स विद मेहर एज पनिशमेंट अमाउंट व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन। बिल्कुल ठीक कह रहे हो मोहित जी। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई इस औरत शब्द के बारे में बात करता है, क्योंकि शायद 2 साल हुए जब मैंने पहली बार इसे एक्सपोज किया था कि कितना घटिया शब्द है और ये इस्लाम की ही देन है हमारे लिए, लेकिन इसे भी डिफेंड करने की कोशिश की जाती है। आप मेरा वो जो औरत वाला वीडियो वो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस मक्कारी से इसे डिफेंड करने की कोशिश होती है। और जो माल शब्द का उपयोग किया जाता है वो भी इस्लाम की देन है, क्योंकि हमारे यहाँ तो महिलाओं को देवी माना जाता है। लॉन्डी भी ठीक है। और अब और कमाल की बात देखिए, हमारे देश में मूवीज क्या बनती हैं, औरत, जख्मी औरत, इस शब्द की फिल्में हमारे देश में बनाई जा रही हैं। तो ये है जिसे मानसिक गुलामी कहना चाहिए, ये लेवल है हमारा। निकाह नाम की भी फिल्म आई हुई है, जबकि इसका अर्थ एक्चुअली में पेनिट्रेशन होता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेक्स भी ठीक है आपकी बात, और मेहर जिसे कहा जा रहा है उसका एक्चुअल जो अरबी टर्म है वो उजूर भी होता है। उजूर का अर्थ क्या होता है? हुजूर नहीं, एच नहीं है, उजूर, उजरत करना, कि आप क्योंकि उस लड़की, उस महिला के शरीर का उपयोग कर रहे हैं तो आप उसको पैसे देते हैं, ये निकाह का मीनिंग है। और अभी रिसेंटली वो न्यूज आई ना कि एक मंदिर के अंदर निकाह करवाया गया, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो ये करवाते हैं उनको। Adamant trivial, sir, kindly enlighten us with a stream on reconquista of Spain. Spain की कहानी बहुत interesting है जी, उस पर अलग से stream करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन ये जो reconquest की कहानी है ना, जब इस्लाम ने फैलना शुरू किया था तो पहले 100 वर्षों के अंदर अंदर ही, 100 भी क्यों, स्पेन तक तो शायद वो 40 वर्षों में ही पहुंच गए थे। अरेबिया से बाहर निकले, अफ्रीका में एंटर किए, पूरा नॉर्थ अफ्रीका कवर करते हुए, कन्वर्ट करते हुए, मारते हुए ये पहुंच गए यूरोप तक, और यूरोप में भी एंटर करके स्पेन तक पहुंच गए। वहां पर फिर स्पेन से इनकी पिटाई होनी शुरू हुई, और स्पेन में जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने अपने आप को रीग्रुप किया, रीऑर्गेनाइज किया और इनको भगा के वापस भेजा, तो उसे रिकॉन्क्विस्टा कहा जाता है। लेकिन इस बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है उसकी, लेकिन उस पर अलग से स्ट्रीम बन सकती है, करेंगे किसी दिन वो भी। हेलो एवरीवन, हिंदू गर्ल्स शुड नॉट कम इन द ट्रैप्स ऑफ जिहादीज। ये हम यहाँ तो बात करते हैं ठीक है, लेकिन देखिए ये 70 साल का जहर है, 70 साल नहीं 100 वर्षों का जहर है हमारे अंदर बोया हुआ।
पहले इन्हें उठा के ले जानी पड़ती थी। लेकिन गांधी ने सबसे बड़ा सत्यानाश किया जब उसने इनको लेजिटिमेसी प्रोवाइड की, जिहाद को लेजिटिमाइज किया, मौलानाओं को पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम में लेके आया। तो ये उस नीच व्यक्ति की देन है कि आज हमारे देश की बच्चियां फंसती हैं इस्लाम के चक्कर में। तो उन्होंने जो मीडिया नैरेटिव में इन्वेस्ट किया उसकी फसल वो काट रहे हैं। जो लेफ्ट के लोग थे, जो कामी और वामी इस्लामी सबको मिला लीजिए, इन्होंने जो फिल्मों में, मीडिया में, मास मीडिया में, एजुकेशन में इन्वेस्ट करके सारे का सारा नैरेटिव अपने कब्जे में करके झूठ सिखाया है, उस चक्कर में हिंदू बच्चियां फंसती हैं और हमारे घरों में ही उनको शिक्षा नहीं दी जाती। तो उन बच्चियों का फंसना तो है ही है, इसमें उनका दोष कम है। जी पूनम अभी जी, सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद आपका। राज शर्मा, नीरज त्रि भैया को देखकर अच्छा लगा। नीरज भैया से निवेदन है कि वो डॉक्टर शंकर शरण के लेखों पर भी एक चर्चा करें और शंकर शरण सर को भी बुलाएं। जी शंकर जी से मेरी बात हुई है अभी और संभवतः इसी सप्ताह उनके साथ हम फिर से एक चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर वो डिस्कशन होगी। तो आपकी इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है। सुनील एस के, अत्री सर जिन हिंदुओं में शत्रु बोध हो चुका है उनको भी कोई पॉलिटिकल पार्टी मदद नहीं कर रही है। नूपुर शर्मा में शत्रु बोध था और उसने बोलने की हिम्मत भी की पर उसे भाजपा ने अपने से दूर करके मरने के लिए छोड़ दिया। सुनील जी, दो तीन चीजें ध्यान दीजिए इसमें। पहली बात तो पार्टी से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। आप देखिए कि जो जिहादी हैं वो क्या करते हैं, वो किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। कितने परसेंट है हमारे देश में? 15%, 16%, 17%। लेकिन उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करके अपनी वोट की ताकत को अच्छी तरह से एनकैश किया। 70 साल से उनके पास वीटो पावर था, हर पार्टी उनके तलवे चाटती थी। तो हमने सोचा एक पार्टी है, पार्टी विद अ डिफरेंस, वो नहीं चाटेगी। लेकिन वो उनके तलवे चाटना तो बड़ी छोटी टर्म है, कहीं उससे आगे निकल चुके हैं। तो पहला तो हमें पार्टी से बाहर निकलना पड़ेगा और जिहादियों से सीखना पड़ेगा कि वो पार्टी की चिंता नहीं करते, हर किसी को अपने छलावे में लेकर उनसे अपना काम, अपने नजायज काम, अपने घटिया काम करवा लेते हैं और हम सच्चे काम भी नहीं करवा पाते। इसलिए हमें हर पार्टी के साथ जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, हर पार्टी से अपना काम करवाना हमें आना चाहिए, सीखना पड़ेगा हमें। क्योंकि आप कह रहे हैं कि जिनको शत्रुबोध हो चुका है वो भी नहीं कर रहे, तो हमें उनसे सीख के काम करना पड़ेगा ना। सिर्फ शत्रुबोध हो गया, अब उसको सड़क पे पॉलिटिक्स में आप कैसे यूज करेंगे उसे सीखना पड़ेगा। जहां तक ये नूपुर शर्मा वाले एपिसोड की बात कर रहे हैं, वो सच में दुखदायी चैप्टर है, शर्म से सिर झुकता है। लेकिन अब वास्तविकता तो है ही है कि हमने, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक रहा है पर उससे बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जो शत्रु है वो ग्लोबल एम्पायर्स है, वर्ल्ड लेवल की गुंडागर्दी है उनकी, तो इतनी जल्दी वो हारने वाले नहीं है। वो हर तरह के जो चाल है वो चलेंगे और वो चल रहे हैं। हमें तो ये देखना है कि हम सफल होते हैं कि नहीं, हम कितने सफल होते हैं उसमें, किस तरह से हम बदलती सिचुएशन के साथ अपने आप को अडेप्ट करते हैं और फिर उनसे निपटते हैं। पूनम अभी जी, मुसलमान शिकायत करते हैं हिंदू उनसे रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते। वो रिश्ता तो ठीक है पर मुसलमान तो हिंदुओं से बेटी की बेटियों का रिश्ता करते हैं, वो क्यों कबूल करें? जी पूनम जी, आप ठीक कह रहे हैं। पहली बात तो मुसलमान ये शिकायत करते ही नहीं है कि हिंदू उनसे रोटी बेटी का साथ नहीं रखते, तो उल्टा होना चाहिए। उन्हें बिल्कुल स्पष्ट सिखाया जाता है। वो देख लीजिए ना, कुरान की दूसरे चैप्टर की 221वीं आयत, वो बोलते हैं कि हम नहीं रखेंगे। वो बेटी लाना चाहते हैं क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जितने गर्भ, जितने वूम
पे वो कब्जा कर लेंगे या उनको नष्ट कर देंगे, उतना वो दुश्मन को कमजोर कर रहे हैं। ये तो अगर एक्स मुस्लिम ये शिकायत करते हैं वो समझ में आता है, लेकिन मुसलमान तो ये शिकायत कर ही नहीं सकता और हम उसे कबूल कर भी नहीं सकते। आपकी बात ठीक है, हम क्यों कबूल करें उसे। दी डेविल, जो अशिक्षित लोग हैं और ऐसा चाहते हैं, ब्राह्मण भारत छोड़े तो अशिक्षित लोगों की अशांति ही सफल होगी। जो वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक, लेखक आदि का समाज नहीं बना सकते, ऐसा चाहते हैं। इसमें अशिक्षित शब्द शायद ठीक नहीं है जी, क्योंकि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गांव में रहते हैं, वो ये ट्रेडिशनल स्कूलिंग उन्होंने कभी नहीं की। आप उन्हें अनपढ़ भी कह सकते हैं, अशिक्षित भी कह सकते हैं, लेकिन उनमें स्वयंबोध और शत्रुबोध बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करते, वो कभी ये नहीं कहते कि हम मलेच्छों को अपनी बेटी देने को तैयार हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि उनका भी वही मजहब है जो हमारा मजहब है। ये जो पढ़ लिख जाते हैं ना, शिक्षित हो जाते हैं, उनकी ज्यादा प्रॉब्लम है जो आप कह रहे हैं। लेकिन आपकी बात में उसका जो मर्म है वो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो एंटी ब्राह्मणिक जहर है, आप देखिए जब से मिशनरी आए हैं 200 साल से थोड़े से ज्यादा हुए, उन्होंने सिस्टमैटिकली अंग्रेजों के साथ ब्राह्मणों के अगेंस्ट काम करना शुरू किया। अगर आप पूरी हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में, हमारे देश के इतिहास में, ब्राह्मणों के विरुद्ध ये जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उन्हें समझना चाहते हैं, तो जब मुसलमान आए उन्होंने तो मारा, काटा, प्रताड़ित किया ब्राह्मणों को। लेकिन सबसे पहला क्या मिलता है, जब फ्रांसिस जेवियर आया था, सेंट फ्रांसिस जेवियर जिसे कहते हैं, उसने सबसे पहले कहा था कि जब तक ब्राह्मणों का विनाश नहीं होगा तब तक हम हिंदू समाज को कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनको समझा सकते हैं, समझा लेते हैं। ये था 1500, मैं वर्ष भूल रहा हूं, लेकिन 16वीं शताब्दी के बिल्कुल स्टार्टिंग के वर्ष थे ये, जब सेंट फ्रांसिस जेवियर गोवा में आया था। उसके बाद से मिशनरीज ने, वो चाहे पोर्चुगीज हों, चाहे ब्रिटिश हों, चाहे डच हों, चाहे फ्रेंच हों, सभी ने ब्राह्मणों के अगेंस्ट पूरा एक नैरेटिव तैयार किया, उसको पुश करते रहे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो एजुकेशन सिस्टम आज चल रहा है हमारा, वो तो इससे भरा ही पड़ा, तो उसका रिजल्ट ये हुआ, वो उन्हें आज ये जो सैकड़ों साल की उन्होंने जहर बोया था वो अब उनको फल देना शुरू कर चुका है। तो ये उनकी 500 साल की इन्वेस्टमेंट है, 500 साल की इन्वेस्टमेंट का फल उन्हें मिल रहा है। और ये फल उन्हें इसलिए मिल रहा है कि हम पहले तो दबे हुए थे, अब जब बाहर निकल रहे हैं तो हमारे नेता ऐसे मक्कार और गद्दार हैं कि वो समाज का साथ देने की बजाय उनके तलवे चाट रहे हैं, कभी उनके हाथों की चुम्मियाँ लेते हैं, कभी उनके पैरों की चुम्मियाँ लेते हैं। तो इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और ये जो ये भीमटे शीमटे जो दिखाई दे रहे हैं, इन पे इन जैसे उन्होंने इनका माइंड मैनिपुलेट कर रखा ना, हमें इनको सच बताना पड़ेगा कि तुम जिन्हें समझ रहे हो ना भीम मीम की कहानी, वो तुम्हारे सर काटने के लिए बैठे हैं। एडम एंड ट्रिविल, सर रिकॉन्क्विस्टा लास्टेड फॉर 700-800 ईयर्स, वी शुड नो अबाउट दिस, सैड वी डोंट नो अबाउट दिस स्ट्रगल। स्पेन की जो चार्ल्स मार्टेल वाली लड़ाई है, बैटल ऑफ टूअर्स कहते हैं, वहां से इन्होंने पुशबैक शुरू किया, वो आज तक चल रहा है। देखिए, इस्लाम को जब तक हम पूरी तरह से नेस्तनाबूत नहीं करेंगे ना, तब तक वो लड़ता रहेगा। तो स्पेन से उनको भगा दिया, पुश किया, यूरोप से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो फिर घुसते जा रहे हैं। अभी ये वोकिज्म ने यूरोप को इतना कमजोर बना दिया कि अब वो फिर से उस पर कब्जा कर रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं ना रिकॉन्क्विस्टा, उसको 700-800 साल कहना ही डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन आपकी बात मैं सब एग्री करता हूँ कि हमें इस कहानी को समझना भी चाहिए और इसे सीखना भी चाहिए। लेकिन अभी हम अपने घर को पहले सुलझा लें, हमारे घर में सैकड़ों कहानियां
रिकॉन्क्विस्टा से तो सीख ही सकते हैं, हमारे घर में सैकड़ों कहानी, हमारे देश में कहानी है जिनसे हमें सीखना चाहिए, हम उनसे भी नहीं सीख पा रहे हैं। चाहत सिंह चौहान जी, कम मत समझना बंदर बना देता है दीन। कम समझने का तो प्रश्न नहीं उठता चाहत सिंह जी। बंदर देखिए, जहां तक बंदर की बात है ना, बंदर की नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होती हैं, वो उनके अकॉर्डिंग काम करता है। बहुत बुद्धिमान प्राणी है बंदर। जो आप कह रहे हैं उससे हो सकता है यदि बंदरों को ये बात समझ आ जाए तो आपकी बात का गुस्सा भी मान सकते हैं, क्योंकि ये तो कुछ और बनाता है। वो क्या बनाता है? मुझे तो लगता है कि जॉम्बी बना देता है वो। एडम एंड ट्रिविल, नो मेंशन ऑफ रिकॉन्क्विस्टा इन एनी ऑफ हिस्ट्री बुक, सच इंपॉर्टेंट इवेंट्स इंक्लूडिंग सीज ऑफ ऑस्ट्रिया और सम अदर प्लेस इन यूरोप आर नॉट टॉट टू अस, इट शोज हाउ डिवाइडेड पीपल गॉट टुगेदर एंड फॉट बैक। हाँ जी, ये सभी दर्शक समझ लें, ये जो एडम एंड ट्रिवियल बात कर रहे हैं, नाम तो ट्रिवियल है लेकिन बात ट्रिवियल नहीं है, बात बात बहुत पते की है। जिस समय क्रिसेंडम जिसे कहते थे ना, वर्ल्ड ऑफ क्रिश्चियनिटी, जहां पर उनका गढ़ था, वहां पर जब मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, बिल्कुल तार तार हो चुके थे लोग, तब एक एक व्यक्ति को इकट्ठा किया गया, उनसे सेना बनाई गई, फिर स्ट्रैटेजी बनाई गई कि किस तरह इन्हें पराजित किया जा सकता है, किस तरह इनको कहां कहां घेरना है। लेकिन एडमंड जी, आप जो बात कर रहे हैं ना, रिकॉन्क्विस्टा स्पेन का तो बहुत दूर की बात है, हमारे देश के लोगों को हमारे देश में विजयनगर एम्पायर का नहीं बताया जाता, तो आप कहां स्पेन की बात कर रहे हैं। हमारे देश में जब मोहम्मद गौरी आया था तो उसे यहाँ की रानी नायकी देवी ने पराजित करके भेज दिया था, वो नहीं सिखाया जाता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने किस तरह मावलों की फौज बना के इनको पराजित किया, वो नहीं सिखाया जाता। शिवाजी महाराज को चूहा बोल के बता देते हैं ये तो। जब आप हिस्ट्री बुक्स की बात करते हैं तो आप मेरी दुखती रग पे हाथ लगाते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसा ना ही करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें इसे हम ऐसे भी समझते हैं। पहले मुझे भी थोड़ा सा इसमें लगता था कि क्यों नहीं ये सरकार काम कर रही, लेकिन फिर मैंने अध्ययन किया कि मोदी जी 14 वर्ष तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे, तब भी उन्होंने इतिहास की बुक्स में कोई चेंज नहीं करवाया, तो अब हम उनसे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं हमें एक समाज के रूप में। स्पेन का चैप्टर आना ही चाहिए, हमारे देश के चैप्टर्स आने चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती आने चाहिए कि एक आदमी खड़ा हुआ और उसने किस तरह से इस्लामियों की पजामे में आग लगा दी थी। इसमें तो 100 चीजें जो हम अपने देश से ही दे सकते हैं। अनुराग पांडे, ज्योतिबा फुले अंग्रेजों का लॉन्च किया हुआ पौधा था। अनुराग जी, आप बात ठीक कह रहे हैं, केवल एक शब्द को सुधार लीजिए, अंग्रेजों को यदि आप ईसाई बोलना शुरू कर देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि जब आप शत्रुबोध की बात करते हैं तो वहां पर एक एक शब्द मायने रखता है। मयंक तिवारी, स्ट्रीम्स कम हो रही। जी हाँ, स्ट्रीम्स कम हो रही हैं क्योंकि कुछ मैं और काम में लगा हूं थोड़ा सा, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तो मैं अब स्ट्रीम थोड़ी सी पहले से बढ़ाऊंगा, रेगुलर करने का प्रयास करूंगा। सर, यू नो लिविंग इन गोवा, तो फेर जी के कहे अनुसार सीड प्लांटिंग करी बहुत, लेकिन चर्च इकोसिस्टम इज सो स्ट्रॉन्ग दैट दे इजीली अपोज एंड ब्रेन वॉश, हाउ टू पुश देम टू घर वापसी। मैं एम ग्लैड कि आप ऐसा कर रहे हैं और गोवा में बैठे कर रहे हैं। अगर आप कोस्टल रीजन में तो आप इसकी इस समस्या की गंभीरता को और समझ पाएंगे। उन्होंने ब्रेन वॉश तो किया ही किया है, लेकिन गोवा में जो मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर उन्होंने लोगों को इस तरह से क्या बोलते हैं कि स्वयं बोध ही नहीं जगने देता, उनमें स्वाभिमान ही नहीं बचा है कि जिनके पूर्वजों पर इतनी प्रताड़ना की गई, उन्हें ये सोच के शर्म ही नहीं आती कि ऐसा किया था। बोलते हैं यार, वो क्या टर्म यूज करते हैं, ला विवा पुर्तगाल, ऐसा बोलते हैं।
लेकिन इसमें पॉजिटिव ये है, मेरा ये मानना है कि इफ समथिंग कैन बी डन इट कैन ऑल्सो बी अनडन। उन्होंने जिस तरह ब्रेन पे कब्जा किया, आप अकेले कर रहे हैं तो आपको समय लग सकता है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज होके रिसोर्सेज यूज करके करते हैं तो एक काम किया जा सकता है। अब वो हम ऑफलाइन बात करेंगे कि इसमें हम कैसे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। नीरज सर ये अच्छा, मंदाकिनी झा, नीरज सर ये नियो बुद्धिज्म का क्या भविष्य देखते हैं आप? जी, नियो बुद्धिज्म का भविष्य वही है जो वोकिज्म का भविष्य है, जहां पर भी खोखलापन होता है। वो कुछ दिन तो चमक दमक आती है, लेकिन क्योंकि उसकी जड़ें बड़ी कमजोर होती हैं तो ये टिकता नहीं है। ये भी गिरेंगे, क्योंकि वास्तविकता में नव बौद्ध क्या है, वो जिहादी और मिशनरियों द्वारा पंप भर के भेजे गए पुतले हैं, कठपुतलियां हैं, वो उनकी हवा निकल जाएगी, क्योंकि वास्तव में तो वो समाज के लिए कोई काम करते नहीं है। इसलिए इन चीजों की चिंता तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि इतने फ्रंट्स खुले हैं, सबकी चिंता करेंगे, लेकिन जो ज्यादा गंभीर राक्षस हैं, पूतना और ताड़ का, पहले उनसे निपट लें, फिर ये छोटे मोटों से भी निपटा जा सकता है। ओके जी, तो आज की चर्चा, आज की वार्ता हम यहां पर विराम देते हैं, लेकिन मैं पुनः वापस वहीं आ रहा हूं कि हम अपने घर से स्टार्ट करें। हमारे घर में हमारे बच्चों को शत्रु बोध हो, स्वयं बोध हो, ताकि वो इस तरह, जैसे आज जिस ट्वीट की मैं बात कर रहा हूं, इन इन झांसों में जल्दी से फंसे नहीं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। फिर मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।